नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। बिहार में जातिगत जनगणना का सर्वे पूरा, डाटा एंट्री का काम 50% बाकी। बिहार में बढ़ रहा अवैध हथियार का उत्पादन, मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत लिया गया बड़ा फैसला। लैंड फॉर जॉब मामले में सुनवाई टली, वेस्ट इंडीज के खिलाफ करो या मरो का मुकाबला, खेलने उतरेगी टीम इंडिया। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में जातिगत जनगणना का सर्वे पूरा, डाटा एंट्री का काम 50% बाकी। बिहार में जातिगत जनगणना का काम पूरा हो चुका है, वहीं फिलहाल डाटा एंट्री का 50% काम होना बाकी है, जो कि जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी। बता दें कि ऐसा माना जा रहा है कि बिहार में जातिगत गणना के आंकड़े जल्द ही सरकार को मिल जाएंगे। इसको लेकर बीते दिन मुख्य सचिव आमिर सुभानी के द्वारा सभी जिलों के जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की गई, जिसमें उन्होंने सभी जिलों में डाटा एंट्री का काम तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया। मालूम हो कि वर्तमान में बेल्ट्रॉन के माध्यम से डाटा एंट्री का काम संचालित किया जा रहा है। इसके लिए तकनीकी विशेषज्ञों को भी लगाया गया है। बिहार के मेडिकल कॉलेजों में नामांकन के लिए मेरिट लिस्ट जारी, इस दिन से शुरू होगा एडमिशन। बीते दिन देर रात बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद के द्वारा बिहार के मेडिकल कॉलेजों की 85% सीटों पर नामांकन के लिए मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई है। ऐसे में छात्र अपने जन्मतिथि की मदद से मेरिट लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। वहीं मेरिट लिस्ट में शामिल स्टूडेंट्स 9 अगस्त से 14 अगस्त तक चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। फर्स्ट राउंड का प्रोविजनल सीट आवंटन 20 अगस्त को जारी किया जाएगा। वहीं एडमिशन 21 से 24 अगस्त तक रहेगा। इसके बाद सेकेंड राउंड की तिथि BCE CEB के द्वारा बाद में जारी की जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि स्टूडेंट्स BCE CE board.bihar.gov.in पर जाकर चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। मालूम हो कि इस बार बिहार में 1206 MBBS सीटों पर और डेंटल की 115 सीटों पर नामांकन लिया जाएगा। इसमें से महिला अभ्यर्थियों के लिए 33% सीटें आरक्षित हैं। के पाठक ने शिक्षकों की ड्यूटी को लेकर DM को लिखा पत्र। बिहार में जाति गणना का कार्य लगभग पूरा हो गया है। बता दें कि इस कार्य को करने के लिए शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई थी, जिसका असर स्कूलों में पढ़ाई पर देखने को मिला। वहीं बीते कुछ समय से विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के द्वारा शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए काफी मेहनत किया जा रहा। बता दें कि इसी कड़ी में शिक्षकों की ड्यूटी को लेकर राज्य के सभी DM को एक पत्र लिखा गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जाति गणना में शिक्षकों की ड्यूटी तब लगेगी जब उनके विद्यालय अवधि खत्म हो जाए, ताकि उसका असर बच्चों के पढ़ाई पर न पड़े। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जाति आधारित जनगणना से संबंधित कार्य लगभग पूर्ण हो गए हैं, डाटा एंट्री का कार्य शेष बचा हुआ है। ऐसे में उक्त डाटा एंट्री कार्य के लिए शिक्षकों की सेवा विद्यालय कार्य अवधि के बाद लेना उचित होगा। बिहार में बढ़ रहा अवैध हथियार का उत्पादन, अपर पुलिस महानिदेशक मुख्यालय GS गंगवार के द्वारा पुलिस मुख्यालय में जानकारी देते हुए बताया गया कि बिहार में अवैध हथियार के उत्पादन के मामले में बढ़ोतरी हो रही है। उन्होंने बताया कि पिछले 6 माह में पुलिस के द्वारा अवैध हथियारों के निर्माण एवं कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 23 अवैध मिनी गन फैक्ट्री के खुलासे किए गए हैं। इसके साथ ही निर्मित एवं अर्ध निर्मित 2340 हथियार के साथ 46 नियमित आग्नेयस्त्र एवं 17381 अवैध कारतूस को जब्त किया गया है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2021 और 2022 की तुलना में वर्ष 2023 में 50% से अधिक अवैध हथियार एवं कारतूस जब्त करने की सफलता मिली है। 91 दरोगा और इंस्पेक्टर नहीं बन सकेंगे 10 साल थानेदार। पटना पुलिस मुख्यालय के द्वारा राज्य के विभिन्न जिलों के 91 पुलिस पदाधिकारियों के खिलाफ शराब से संबंधित कांडों के अनुसंधान, कार्रवाई और जांच में लापरवाही करने को लेकर बड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें 10 साल तक के लिए थानों से दूर कर दिया गया है। बता दें कि इस संबंध में पटना पुलिस मुख्यालय के द्वारा राज्य के सभी जिलों को जानकारी दे दी गई है और साथ ही उन दरोगा और इंस्पेक्टर की लिस्ट भी भेजी गई है, जिन्हें 10 सालों के लिए थानों से दूर किया गया है, जिनमें भागलपुर जिले में पदस्थापित रहे SI दुर्गेश कुमार और इंस्पेक्टर विनय कुमार, बांका पुलिस जिला के श्रवण कुमार, नवगछिया में पदस्थापित रहे SI दिलीप कुमार और SI महेश कुमार, रड़िया के SI अखिलेश्वर कुमार, मधेपुरा के SI राजेश कुमार दो, कटिहार के इंस्पेक्टर टुनटुन पासवान, SI सुनील कुमार और SI प्रदीप कुमार, पूर्णिया में पदस्थापित रहे SI नवीन कुमार और SI मुकेश कुमार समेत कई के नाम शामिल है। इसको लेकर मद्य निषेध के द्वारा IG को पत्र भी लिखा गया है। कॉलेजों को बेहतर NAC ग्रेडिंग हासिल करने की सिखाई जाएंगी बारीकियां।
राज्य के कई कॉलेजों को बिहार सरकार की ओर से नैक ग्रेडिंग के लिए ट्रेनिंग दिलाई जा रही है। ऐसे में कई कॉलेजों के द्वारा स्व अध्ययन रिपोर्ट जमा कर दिया गया है, तो वहीं कई कॉलेज नैक की प्रक्रिया में लगे हुए हैं। लेकिन अब इन सब के बीच में एएन कॉलेज की ओर से भी राज्य के विभिन्न कॉलेजों को बेहतर नैक ग्रेडिंग के लिए बारीकियां सिखाई जाएंगी। मालूम हो कि इसके लिए कॉलेजों के शेड्यूल तैयार किए जा रहे हैं। बता दें कि नैक कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर एनके अग्रवाल और उच्च शिक्षा के निदेशक रेखा कुमारी के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया है कि सरकार की ओर से जल्द ही नैक पर विशेष ट्रेनिंग देने की जिम्मेदारी एएन कॉलेज को दी जाएगी। इसके लिए तैयारी भी शुरू हो गई है। उत्तर बिहार से गुजरने वाली 31 ट्रेनें रहेंगी रद्द। गोरखपुर कैंट यार्ड में हो रहे रीमॉडलिंग के काम की वजह से और साथ ही कुसमही में तीसरी लाइन के निर्माण कार्य को लेकर उत्तर बिहार से गुजरने वाली 31 ट्रेनों के परिचालन को रद्द करने का फैसला लिया गया है, जिनमें गाड़ी संख्या 15651 और 15652 गुवाहाटी जम्मू तवी गुवाहाटी एक्सप्रेस, गाड़ी संख्या 15211 और 15212 दरभंगा अमृतसर दरभंगा एक्सप्रेस, गाड़ी संख्या 15080 और 15079 गोरखपुर पाटलिपुत्र गोरखपुर एक्सप्रेस, गाड़ी संख्या 15531 और 15532 सहरसा अमृतसर सहरसा एक्सप्रेस, गाड़ी संख्या 15078 और 15077 गोमती नगर कामाख्या गोमती नगर एक्सप्रेस, गाड़ी संख्या 05615 और 05616 उदयपुर सिटी गुवाहाटी उदयपुर सिटी स्पेशल, गाड़ी संख्या 04654 और 04653 अमृतसर न्यू जलपाईगुड़ी अमृतसर स्पेशल, गाड़ी संख्या 05734 और 05733 कटिहार अमृतसर कटिहार स्पेशल, गाड़ी संख्या 09451 और 09452 गांधीधाम भागलपुर गांधीधाम स्पेशल, गाड़ी संख्या 05040 और 05039 गोरखपुर नरकटियागंज गोरखपुर स्पेशल, गाड़ी संख्या 05096 और 05095 गोरखपुर नरकटियागंज गोरखपुर स्पेशल, गाड़ी संख्या 05498 और 05497 गोरखपुर नरकटियागंज गोरखपुर स्पेशल, गाड़ी संख्या 05449 और 05450 गोरखपुर नरकटियागंज गोरखपुर स्पेशल, गाड़ी संख्या 12538 बनारस मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस समेत अन्य 9 ट्रेन शामिल है। मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत लिया गया बड़ा फैसला। बिहार में लोगों का आवागमन को सरल बनाया जा सके, इसके लिए बिहार सरकार की ओर से राज्य में कई सड़कों और पुलों का निर्माण करवाया जा रहा है। बता दें कि इसी कड़ी में मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत राज्य सरकार की ओर से एक बड़ा फैसला लिया गया है, जिससे लोगों के आवागमन में और भी सुविधा मिलेगी। बता दें कि इस योजना के तहत राज्य में कुल 8283 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया जाएगा। इसके साथ इस योजना के तहत राज्य के 38 जिलों में 100 से अधिक बसावट वाले गांव बारहमासी सड़कों से जोड़े जाएंगे। इससे ग्रामीण सड़कों पर लोगों का आवागमन आसान होगा और साथ ही सड़कें चकाचक भी रहेंगी। पटना मेट्रो प्रोजेक्ट के तहत इन दो जगहों पर बन रहे इंटरचेंज स्टेशन। पटना मेट्रो प्रोजेक्ट के तहत मेट्रो का निर्माण तेजी से हो रहा है। इसी क्रम में पटना मेट्रो प्रोजेक्ट के तहत दो इंटरचेंज स्टेशन बनाए जा रहे हैं। यह इंटरचेंज स्टेशन शहर के वर्तमान और रेलवे टर्मिनलों से जुड़े होंगे, ताकि यात्रियों को बेहतर बाधा रहित सुगम सफर की सुविधा मिल सके। बता दें कि पटना मेट्रो प्रोजेक्ट के तहत दो कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है। इन दोनों कॉरिडोर में एक एक इंटरचेंज स्टेशन प्रस्तावित है। यह स्टेशन पटना स्टेशन और खेमनी चक इंटरचेंज स्टेशन होंगे, जहां से कॉरिडोर एक और कॉरिडोर दो दोनों के लिए मेट्रो मिल सके। इन इंटरचेंज स्टेशनों में खेमनी चक स्टेशन जमीन के ऊपर है, जबकि पटना स्टेशन भूमिगत इंटरचेंज स्टेशन नीचे है। पत्रकार नगर में एक ही दिन में 7 लोगों से ठगी। बिहार में दिन प्रतिदिन साइबर ठगी के मामलों में बढ़ोतरी होती जा रही है। बता दें कि ताजा मामला बिहार की राजधानी पटना के पत्रकार नगर थाने का है, जहां 7 लोगों के द्वारा साइबर ठगी का केस दर्ज कराया गया है। दरअसल कंकड़बाग के हनुमान नगर निवासी चंदन कुमार के द्वारा अपने फ्लैट को किराए पर देने के लिए एक वेबसाइट का विज्ञापन जारी किया गया था, जिसके माध्यम से एडवांस के नाम पर उनसे 70,000 रुपए की ठगी की गई है। इसके अलावा पत्रकार नगर निवासी करिश्मा से नौकरी के नाम पर 76,000 रुपए, रिचा से फेक प्रोफाइल बनाकर इंस्टाग्राम के माध्यम से शेयर में निवेश करने के लिए के नाम पर 25,000 रुपए, कंकड़बाग निवासी रजनी के क्रेडिट कार्ड से 20,000 रुपए, अभिलाषा कुमारी को व्हाट्सएप पर लिंक भेज सात्र ठगने खाते से 44,000 रुपए और पत्रकार नगर निवासी विमला के खाते से 20,000 रुपए की ठगी की है। सड़क हादसे में बिहार पुलिस के जवान की मौत।
बिहार पुलिस में तैनात एक जवान रविंद्र सिंह और उसके बेटे रोहन कुमार की मौत हो गई, जब वे पांचवी सोमवारी के दिन बाबा गुप्तेश्वर नाथ को जल चढ़ाकर बाइक से लौट रहे थे, तो पिता पुत्र और पत्नी को तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक ने कुचल दिया, जिससे इस दौरान मौके पर ही जवान और बेटी की मौत हो गई, जबकि पत्नी आशा देवी बुरी तरह से जख्मी है, जिनकी हालत काफी नाजुक बताई जा रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह घटना जगदीशपुर थाना क्षेत्र के नयका टोला स्थित पेट्रोल पंप के पास रामदास टोला मोड़ का है। वहीं इस घटना की सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंची स्थानीय थाना के पुलिस द्वारा मृतकों के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया की जा रही है। लैंड फॉर जॉब मामले में सुनवाई टली, आज जमीन के बदले नौकरी मामले को लेकर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ सीबीआई की ओर से दायर चार्जशीट पर राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होने वाली थी, लेकिन इस सुनवाई को टाल दिया गया। बता दें कि अब इस मामले पर अगली सुनवाई 12 सितंबर को की जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सीबीआई के द्वारा 3 जुलाई को उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ चार्जशीट दायर किया गया था, और इसके साथ ही सीबीआई ने तेजस्वी यादव से दिल्ली में 8 घंटे पूछताछ भी की थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जमीन के बदले नौकरी से जुड़ा यह मामला तब का है जब रेल मंत्री राजस्व सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव थे। इस दौरान लालू यादव पर यह आरोप लगाया गया था कि उन्होंने रेल में कई लोगों को नियम के विरुद्ध जाकर ग्रुप डी की नौकरी दी थी और इसके बदले में उन्होंने जमीन ली थी। मंत्रिमंडल विस्तार में देरी पर विजय सिन्हा ने किया खुलासा। मंत्रिमंडल विस्तार में अनिश्चितता को लेकर बीते दिन नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा के द्वारा तंज कसते हुए कहा गया कि लोकसभा चुनाव में महागठबंधन के दलों में सीट बंटवारे में उठा पटक तय है। उन्होंने कहा कि लालू यादव ने राहुल गांधी को अपने आवास पर बुलाकर सीक्रेट बातें की है और जेडीयू को किनारे कर दिया है। कांग्रेस को एक मंत्री पद से ज्यादा नहीं देने पर अड़े नीतीश कुमार को अब 2 मंत्री पद और देने के लिए मजबूर किया जा रहा है। 2 मंत्री पद पाने का ऐलान बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष पहले ही कर चुके हैं। अब उन्होंने बोर्ड और निगम में भी अपना दावा ठोक दिया है। यह सब लालू यादव के इशारे पर हो रहा। विपक्षियों की मुंबई में होने वाली आगामी बैठक में भी नीतीश कुमार को संयोजक नहीं बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी अभी भी नीतीश कुमार पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है। उसे एकमात्र लालू यादव पर भरोसा है, जिनके साथ राहुल गांधी कार्य योजना बना चुके हैं। अब लालू यादव बिहार महागठबंधन के ड्राइविंग सीट पर हैं। धरती 100 साल के अंदर हो जाएगी खत्म, नीतीश कुमार। बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा बिहार संग्रहालय के स्थापना दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए कहा गया कि धरती 100 साल के अंदर खत्म हो जाएगी। उन्होंने कहा कि हम बार बार कहते हैं कि कागज रखिए, जरूर रखिए, सुरक्षित रहिएगा, धीरे धीरे धरती खत्म होगी, लेकिन 100 साल से अधिक नहीं लगेगा। हम टेक्नोलॉजी पर निर्भर रहेंगे और एक ही बार में धरती खत्म हो जाएगी। खैर जो रहे, हम क्या कहेंगे, हम तो 73वां साल में है, हम तो जाने ही वाले हैं ना, लेकिन कह रहे हैं कि बाकी आने वाले पीढ़ी हैं वह सुरक्षित होने चाहिए ना। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि आज के समय में तो लोग हिंदी को भी खत्म कर चुके हैं। आज जो लोग बिजनेस कर रहे हैं वह बस इंग्लिश में लिख रहे हैं। वेस्टइंडीज के खिलाफ करो या मरो का मुकाबला खेलने उतरेगी टीम इंडिया। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज का आज तीसरा मुकाबला खेला जाना है। ऐसे में आज भारतीय टीम करो या मरो के मुकाबला खेलने के लिए मैदान में उतरेगी। बता दें कि अगर आज का यह मैच भारतीय टीम हारती है तो वह सीरीज को भी हार जाएगी। मालूम हो कि वर्तमान में वेस्टइंडीज इस सीरीज के 2 मैच को जीतते हुए 2-0 से आगे है। ऐसे में आज का यह मुकाबला बेहद ही रोमांचक होने वाला है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज के इस मैच की शुरुआत भारतीय समयानुसार रात 8 बजे से होने वाली है। सीरीज जीतने के लिए भारत को बाकी 3 मैच अपने नाम करने होंगे। वहीं वेस्टइंडीज अब एक और मैच जीतते ही सीरीज अपने नाम कर लेगा। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है रंजीत मिश्रा, कमलेश शर्मा, भान प्रकाश मौर्य, गोनर शर्मा, अमित कुमार, उमेश सिरसदेव, सदुल्लाह पलवी, मोहम्मद सकीर हुसैन, मोटू रंगीला, नंद कुमार सिंह, नन्नू गोलू कुमार, ऋषिकेश शाह, राजकिशोर महतो, हलीश्वर कुमार, नौशद अंसारी। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार आज भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले जाने वाले T20 सीरीज के तीसरे मुकाबले में किस टीम का पलड़ा भारी है? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देखें तो पेज को फॉलो करना ना भूले। धन्यवाद।